कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह के निर्देशानुसार एवं जिला आबकारी अधिकारी के निर्देशन में जहरीली शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत मंदसौर में हुई जहरीली शराब से मौतों के बाद विशेष सतर्कता के साथ शिवपुरी जिले में इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम के लिए लगातार कार्यवाहियां की जा रही हैं। इसके तहत लगातार दबिश देकर अवैध शराब के विरुद्ध प्रकरण कायम कर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसमें वृत्त शिवपुरी प्रभारी तीर्थराज भारद्वाज को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर अवैध जहरीली शराब सुरवाया की तरफ लेकर शहर में आ रहा है। इस पर तुरंत बल एकत्रित कर रोड की चेकिंग शुरू की गई। इसमें एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर लगभग 38 लीटर अवैध जहरीली शराब का परिवहन करता हुआ गिरफ्तार किया गया। इसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। इसी प्रकार एक अन्य मामले में एक व्यक्ति 4 लीटर हाथ भट्टी मदिरा के साथ पकड़ा गया। संपूर्ण कार्यवाही में कुल 3 प्रकरण कायम किए गए। इस कार्यवाही में तीर्थराज भारद्वाज उप निरीक्षक, अखिल राज यादव मुख्य आरक्षक, सतीश जयंत आरक्षक का सराहनीय योगदान रहा। देखिए क्या कुछ कहा व्रत प्रभारी तीर्थराज भारद्वाज ने। जी श्रीमान कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार श्री जिलाबकारी अधिकारी श्री वीरेंद्र सिंह धागड़ जी के मार्गदर्शन में जिले में जहरीली शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कल मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि सुरवाया की ओर से एक व्यक्ति जहरीली शराब को मोटरसाइकिल पर परिवहन कर रहा है, जिसके लिए मतलब आबकारी बल के साथ में हम लोग वहाँ पर पहुँचे करबला के पास में, जहाँ रोड चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल पर 38.4 लीटर कच्ची शराब जो कि जहरीली प्रतीत हो रही है लाता हुआ पकड़ा गया। इसके अलावा एक व्यक्ति 4 लीटर शराब और एक 3 लीटर शराब, इस तरीके से कल कुल 3 प्रकरण दर्ज किए हैं, जिसमें से एक व्यक्ति के खिलाफ 49 का मामला दर्ज करके उसको जेल भेज दिया गया है और अन्य दो व्यक्तियों के ऊपर 34 एक का प्रकरण दर्ज किया गया है।